Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. Hopefully you are good and your preparation is also going good. And if you are preparing for KBS PGT Biotechnology, so this video is just for you, because in this video I am going to discuss about one of the most important topic of immunology, that is the antibody, right? In the different competitive examinations, so many questions have been asked from this particular topic, that is the antibody. As in my previous video, I have discussed about the cells and organs involved in the immune systems and immunology. So in the sequence of that, I will discuss here in the present video about the antibody in the details, like as what are the different chemical composition of antibody, what are the different kinds of antibodies are found in the body, and what their different roles in the biological systems, and what will the possible outcome of a band pattern about the antibody treatment with the different enzymes and also with the chemicals. Okay, so if you want to know all about this, about the antibodies, so this video is just for you, and stay tuned and watch this video till the end. And one thing more, before going to discuss about the these topics, I would like to announce here, that is, if you are preparing for KBS PGT Biotechnology and looking for an online classes or online coaching classes, so you are at the right place. You have to just call on the given number, that is 8318917792, and all your queries regarding the online classes will be resolved here. So अगर आप KBS PGT बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना है और ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरी होगी रिगार्डिंग लाइक एज ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के, टेस्ट को लेकर के, स्टडी मटेरियल को लेकर के, या फीस स्ट्रक्चर्स को लेकर के, ये सारे सवाल के आपके जवाब ऑनलाइन क्लास, आप जब इस नंबर पे बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि हमारा है एंटीबॉडी के बारे में. सो व्हाट इज द मीन ऑफ एंटीबॉडी, राइट? अगर आप एंटीबॉडी के बारे में बात करें तो एंटीबॉडी क्या है और किस तरीके से मिलकर के बना होता है, किस चीज चीज से, तो यहाँ पे पहला चीज स्टेटमेंट आ जाता है कि एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इसका नेचर कैसा होता है, दैट इज अ हेटरोडाइमर. So what is the mean of a glycoprotein? That means a protein which is made up of also from a carbohydrate moieties. ऐसे protein के molecules जिसमें protein के अलावा carbohydrate के moieties भी उसमें जुड़े हुए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, that is the glycoprotein. Heterodimer का मतलब होता है यहाँ पे, दो dimer का मतलब होता है two units, और जो दोनों units होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, different types के होंगे, that is why known as the heterodimer. Okay. सो नॉर्मली अगर हम लोग एंटीजन मतलब एंटीबॉडी की अगर बात करें, तो एंटीबॉडी है क्या चीज, आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन्स के मॉलिक्यूल अगर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो इस फॉरेन, इसको हमारी बॉडी क्या करती है, एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करती है. तो इस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जिस मॉलिक्यूल्स को बनाती है, इस मॉलिक्यूल को मीन्स इस पार्टिकल को किल करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को जो है नलीफाई करने के लिए, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एंटीबॉडी, मींस इम्यूनोग्लोबुलिन. सो एंटीबॉडी क्या है, एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी बॉडी में बनता है किसी भी एंटीजन्स के अगेंस्ट में, जो एंटीजन्स हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं उनको क्या करता है, रिटार्ड करता है या उन्हें हैम्पर करने की कोशिश करता है. तो उन चीजों को किल आउट करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए जिस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एंटीबॉडी, राइट? तो आपने देखा कि बेसिकली एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होती है, मींस इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, यूनिट्स होंगे. आपको बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट ऑन द बी सेल मेम्ब्रेन एंड सीक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई बी सेल्स जो होती है अगर वो एक्टिवेट होती है, दैट मीन्स अगर सपोज आपका ये बी सेल्स है, तो इसके सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से. और ये रिसेप्टर अगर किसी आपके एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, अगर बाइंड कर जाता है, सपोज आपका ये सारे रिसेप्टर्स हैं बी सेल्स पे, और यहाँ पे आपका क्या है, ये एंटीजन के मॉलिक्यूल है, तो अगर ये एंटीजन आपका इस बी सेल से क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये बी सेल्स आपका क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाता है दो टाइप के सेल्स में. नंबर वन इज द प्लाज्मा सेल्स और सेकंड वन इज द मेमोरी सेल्स. सो फर्स्ट सेल्स आपकी क्या बनेगी, दैट इज द प्लाज्मा सेल्स. सेकंड क्या बनेगी आपकी, मेमोरी सेल्स. इन दोनों का अपना अलग अलग क्या होता है, रोल होता है, राइट? तो आपकी ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है, यही प्लाज्मा सेल्स क्या बनाती है, दैट इज द एंटीबॉडी. तो आपसे कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है
ये एंटीबॉडी को बनाने वाले सेल्स कौन से हैं या उसका नाम क्या होता है, राइट? तो अगर आपको ऑप्शन में बी टी इस तरीके से सेल दे रखा होगा तो आप बी सेल्स का ऑप्शन लगा देंगे, और अगर आपको इस तरीके से प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स इस तरीके से दे रखा होगा तो आप प्लाज्मा सेल्स लगाएंगे, राइट? तो बी सेल्स क्या है, एक लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है जो कि डिफरेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाती है। इस प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, एंटीबॉडी को बनाना, और मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है कि इस एंटीजन के स्ट्रक्चर को, जो एंटीजन यहाँ पे बाइंड किया है, इस एंटीजन के स्ट्रक्चर्स को क्या करना, रिकॉग्नाइज करके उसको स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक याद रखना। जब कभी दोबारा सेम यही वाला एंटीजन से अगर आपकी बॉडी में इंटर करता है तो ये मेमोरी सेल्स उसको तुरंत क्या करता है, पहचान लेता है कि हाँ अभी इस टाइप का एंटीजन हमारी बॉडी में पहले भी क्या हो चुका है, इंटरेक्ट हो चुका है। तो तुरंत का तुरंत क्या करता है, फिर मेमोरी सेल्स मैसेज देता है एंटीबॉडी बनने के लिए, और वो एंटीबॉडी उसे क्या करती है, किल करके खत्म कर देती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्लाज्मा सेल्स होता है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन से बाइंड करने वाली क्या होती है, प्रोटीन की मायोटीज या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके पास चार पेप्टाइड चेन होते हैं, राइट, जिसमें से दो क्या होंगे आपके आइडेंटिकल होते हैं जिनको आप लाइट चेन बोलते हैं, और दो आइडेंटिकल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं। ये लाइट चेन और ये हैवी चेन का जो नाम दिया गया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉलिकुलर मास, लाइट चेन जो होता है उसका मॉलिकुलर मास 25,000 डाल्टन होता है, और जबकि हैवी जो चेन होते हैं उनका मास कितना होता है, 50,000 डाल्टन। तो उनके मॉलिकुलर मास के बेसिस पे दिया गया क्या, दैट इज द लाइट चेन और हैवी चेन का कॉन्सेप्ट, कि एक जो एंटीबॉडी होगा उसमें आपके दो क्या होंगे, लाइट चेन होंगे, और दो क्या होंगे, हैवी चेन होंगे। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और स्ट्रक्चर से देख करके आपको काफी सारी चीजें यहाँ से समझ में आ जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। कई सारे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं जिन सवालों का आपके पास आंसर दे करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कौन कौन से पॉसिबल सवाल यहाँ से बन सकते हैं और कहाँ से सवाल बनेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाले आपका जो चेन होगा जिसका आपको साइज छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा लाइट चेन, और जबकि ये वाला आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो चेन है इसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज द हैवी चेन, राइट? तो दो आपके क्या है, हैवी चेन है, और दो क्या है आपके, लाइट चेन है। इस लाइट चेन और हैवी चेन में आप यहाँ पे देखें तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन है, इसका मीन्स स्टार्टिंग से ये आपका क्या है, दैट इज द एन टर्मिनल है, और ये क्या है आपका, सी टर्मिनल है। तो एंटीबॉडी के एन टर्मिनल से स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 110 अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा, अमीनो एसिड का सीक्वेंस वो क्या होता है, बहुत ही वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग एंटीबॉडी में अलग अलग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या होते हैं, पाए जाते हैं, राइट? इसीलिए इसको हम वेरिएबल रीजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे VL लिखा हुआ है, इस VL का मतलब क्या हुआ कि लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, ऐसे ही VH लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, हैवी चेन का वेरिएबल रीजन। तो स्टार्टिंग का दैट मींस एन टर्मिनल से स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 110 अमीनो एसिड तक के जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा हाइपर वेरिएबल रीजन के नाम से भी ये जाने जाते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और इन्हीं वेरिएबिलिटी की वजह से अलग अलग एंटीबॉडी जो होते हैं उनका अलग अलग एंटीजन से बाइंड करने की क्या होती है, कैपेसिटी या शेप होता है, राइट? ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वाला और यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला, ये दोनों पोर्शन क्या है जो कि इंटरनल वाले होते हैं, वेरिएबल रीजन, इसी को आप क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग रीजन, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो कई बार आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछ दिया जाता है कि किसी भी एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग रीजन कहाँ पे पाया जाता है, कौन से रीजन पे पाया जाता है, वेरिएबल रीजन में या कॉन्स्टेंट रीजन में, राइट? तो आपको आंसर यहाँ पे क्या देना, दैट इज द वेरिएबल रीजन। इसका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड के जो सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जबकि ये जो नीचे की आपको यूनिट दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब इनके अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस में कोई भी वेरिएशंस या कोई भी अल्टरेशंस नहीं होते हैं, राइट? तो आपने यहाँ पे देखा कि जो एंटीबॉडी है उसका जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, दैट मीन्स एन टर्मिनल के साइड से, और एन टर्मिनल और सी टर्मिनल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप देख लीजिए, कि जैसा कि आप जानते हैं कि अमीनो एसिड्स में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं, एक NH2 ग्रुप होता है और इसके बाद एक कार्बन होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, राइट? इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका पाया जाता है।
ये आपका क्या होगा आर ग्रुप होगा, ये क्या होगा आपका एच ग्रुप होगा। तो इस वाले ग्रुप को मीन्स इस वाले एंड को क्या बोलते हैं, दैट इज द एंड टर्मिनल, और इस वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज द सी टर्मिनल। ओके सो ये आपका एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं, ये वेरिएबल रीजन्स बहुत ज्यादा हाईली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मतलब यहाँ पे सीक्वेंसेस जो होंगे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, और यही वाला जो रीजन होता है वो इंटीजर से क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। सो आते हैं अब नेक्स्ट हमारे इस पे कॉन्स्टेंट रीजन पे। कॉन्स्टेंट रीजन का मतलब जैसे यहाँ पे लिख रखा है CH1, तो इस CH1 का मतलब क्या हुआ कि हैवी चेन का एक कॉन्स्टेंट रीजन का पहला वाला सेगमेंट है। यहाँ पे तीन सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, CH1, CH2, CH3, राइट। जबकि यहाँ पे एक ही है, दैट इज अ CL। CL का मतलब क्या हुआ, लाइट चेन का कॉन्स्टेंट रीजन। तो कॉन्स्टेंट जो जो रीजन होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एंटीबॉडी का। जब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी कोई एंटीबॉडी को क्या किया जाता है, फ्रैक्शनेट किया जाता है, मीन्स तोड़ा जाता है, तो वो दो पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है। एक तो आपका जो होता है वो एंटीजन बाइंडिंग रीजन होता है, जैसे आप FAB या AB के नाम से जानते हैं, और दूसरा रीजन क्या होता है आपका FC, मीन्स फ्रेगमेंट ऑफ अ क्रिस्टलाइजेबल, राइट। तो ये FAB जो रीजन होता है वो तो एंटीजन से बाइंड करने का क्या करता है, काम करता है। जबकि जो आपके एंटीजन के एंटीबॉडी के FC रीजन होते हैं, मतलब ये नीचे वाले जो रीजन होते हैं, ये कॉन्स्टेंट वाले, ये क्या करते हैं, इफेक्टर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी एंटीबॉडी कोई अच्छा काम करता है, इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, वो फंक्शन उसके इस वाले एंड की वजह से होता है, जो कि आप कॉन्स्टेंट रीजन के नाम से जानते हैं। कई बार आपसे सवाल पूछा गया कि एंटीबॉडी का जो इफेक्टिवनेस फंक्शंस होता है वो उसके कौन से रीजन की वजह से होता है, एंड टर्मिनल रीजन के, सी टर्मिनल रीजन से, वेरिएबल रीजन से, या कॉन्स्टेंट रीजन से। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, एंड टर्मिनल वेरिएबल रीजन, और ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्स्टेंट और सी टर्मिनल रीजन। तो एंटीबॉडी का जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है, जिसे आप FC रीजन के नाम से जानते हैं, वो रीजन आपका कैसा है, कॉन्स्टेंट है, और वो रीजन आपका कैसा है, दैट इज द सी टर्मिनल का है। तो सी टर्मिनल का जो कॉन्स्टेंट रीजन है, वो वाला जो पार्ट होता है किसी भी एंटीबॉडी के फंक्शंस के लिए, मतलब उसके इफेक्टिव फंक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, राइट। तो जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये FC और FAB रीजन आपको दिखाई देगा। तो लेट मी इरेज ऑल दोस थिंग्स। सो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि अगर आपका ये एंटीबॉडी है, तो इस एंटीबॉडी के कौन से पार्ट को आप वेरिएबल, कौन से पार्ट को आप कॉन्स्टेंट, या कौन से पार्ट को FC, ये सारे नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये फिगर आपके लिए समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ से समझ करके अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि अगर आपका ये एंटीबॉडी है, तो इसका ये वाला जो रीजन होगा, जिसको आप वेरिएबल रीजन के नाम से जानते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, FAB रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन, नाम क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो ये आपका जो वेरिएबल रीजन होता है, उस रीजन पे क्या होता है, एंटीजन के बाइंडिंग साइट्स होती है। जबकि जो कॉन्स्टेंट रीजन होता है आपका, ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये क्या है, कॉन्स्टेंट रीजन है। इस वाले रीजन से क्या करता है आपका, एंटीबॉडी फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसको आप FC रीजन के नाम से भी जानते हैं। F इज स्टैंड फॉर फ्रेगमेंट, C इज स्टैंड फॉर क्रिस्टलाइजेबल। तो ये क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट होता है, दैट इज वाई इसको FC रीजन के नाम से जानते हैं। जबकि FAB जो रीजन है वो आपका क्या बताता है, दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग रीजन, या एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीबॉडी का ये वाला पोर्शन क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड करेगा, जबकि एंटीबॉडी का ये वाला जो फंक्शंस होगा वो क्या करेगा, इफेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो कौन कौन से इफेक्टिव फंक्शंस होंगे जो कि एंटीबॉडी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे बॉन्ड है जो कि एंटीबॉडी में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे सवाल आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे सवाल यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन का जैसा मैंने आपको मीन बताया कि यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज, मीन्स मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो सिंपल सा आपसे सवाल पूछा पूछा जाता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में अगर कोई प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड होने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन।
जिस तरीके से फॉस्फोराइलेशन होता है फॉस्फेट के एडिशन को, वैसे ही ग्लाइकोसाइलेशन होता है ग्लाइकोजन के या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के एडिशन को, राइट। तो ये जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर पहला तो ये कि एंटीबॉडी के सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। और दूसरा आपका जो होता है वो क्या करता है, दैट इज इसके जो सॉल्युबिलिटी के साथ साथ में इसका जो एंटीजन का के साथ सॉल्युबिलिटी के साथ साथ में इसका जो एंटीजन के साथ में इंटरेक्शंस होता है एंटीबॉडी का, उस इंटरेक्शंस को भी क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। तो ग्लाइकोसाइलेशंस में मतलब ग्लाइकोसाइलेशंस जो प्रोसेस होती है जिसमें आपका ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उस प्रोटीन्स में क्या कहते हैं ऐड किए जाते हैं, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या रोल निकल कर गया है? नंबर दो पॉइंट यहाँ पे बताया मैंने आपको कि पहला कि वो जो ग्लाइकोसाइलेशंस होता है वो उस एंटीबॉडी के सॉल्युबिलिटी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली आपका एंटीबॉडी जो होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल माना जाता है, दैट मीन्स वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। उनकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्लाइकोसाइलेशन वाली जो प्रोसेस हो रही है। दूसरा, एंटीजन का जो बाइंडिंग होती है एंटीबॉडी से, उस बाइंडिंग एफिनिटी को भी क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है, राइट। अब आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपका ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है, इस लाइट चेन के दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके। नंबर पहला या तो आपका क्या हो सकता है, कप्पा हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका, लेमडा हो सकता है। लेकिन किसी भी एक एंटीबॉडी में दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ में प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि आपका ये एक वाला जो लाइट चेन है वो कप्पा हो जाए और दूसरा वाला जो लाइट चेन है वो क्या हो जाए, डेल्टा हो जाए, मतलब लैम्डा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों ही आपके क्या होंगे, सेम काइंड के होंगे, या तो दोनों ही कप्पा होंगे या तो दोनों ही क्या होंगे, लैम्डा होंगे। ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग जो होंगे वो आपके लाइट चेन पाए जाएंगे एक ही सेम काइंड के एंटीबॉडी में। किसी एक एंटीबॉडी में ये जो लाइट चेन के पाए जाने वाले दो वेरिएबल फॉर्म होते हैं, इनका कुछ रेशियो होता है परसेंटेज के फॉर्म में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका कप्पा है और जो आपका लेमडा है, अगर हम लोग अपनी ह्यूमन बींग की बात करें तो ये 65 एंड 35% के रेशियो में क्या होता है, पाया जाता है, राइट। ये 65% होगा और ये क्या होगा आपका, 35%। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका परसेंटेज होता है ह्यूमन बींग्स में। जबकि अगर माइस में बात करें तो माइस में क्या होता है आपका, 95 95 होता है, और इसके बाद क्या होता है आपका, 95 क्या होगा आपका, कप्पा होगा, और जबकि 5% क्या होता है आपका, लेमडा होता है, राइट। इस तरीके से इनका वो पाया जाता है परसेंटेज। हेलो, बना रहे हैं अभी तो, रिकॉर्ड हो रहा है पहला ही, बहुत लंबा वीडियो ही हो जा रहा है। जाइए आप सोइए पहले आराम से। तो नाम था कि नहीं, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हिंग रीजन होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, और कौन कौन से अमीनो एसिड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंटली पाए जाते हैं और क्या वो रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोलिन पाया जाएगा और सिस्टीन पाया जाता है, और प्रोलिन का काम होता है कि प्रोटीलेटिक क्लीवेज से क्या करता है, बचाता है। दैट मीन्स कोई भी अगर प्रोटीलेटिक क्लास ऑफ एंजाइम अगर क्लीव करना चाहता है तो इस वाले रीजन पे उसको क्लीव करने में प्रॉब्लम होती है। सो इस तरीके से प्रोलिन जो होता है एक अमीनो एसिड कैटेगरी में आता है जो कि नॉर्मल अमीनो एसिड नहीं होता है। तो उस वाले अमीनो एसिड्स को कोई भी पेप्टाइड जो कि प्रोटीलेटिक क्लास ऑफ एंजाइम में आती है, वो एंजाइम इसको क्लीव करने में क्लीव नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से ये जो आपका हिंग रीजन पे पाया जाने वाला प्रोलीन होता है, उस प्रोलीन की वजह से कोई भी प्रोटीलेटिक क्लास ऑफ एंजाइम उसको डिग्रेड कर नहीं पाता, तो उसको बचाने का वो काम करता है। साथ साथ पे यहाँ पे सिस्टीन पाया जाता है, जो कि सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या करता है, बनाता है,
राइट, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड दो कैटेगरी का होता है, एक आपका इंटरचेन होता है और एक क्या होता है आपका इंट्राचेन होता है। इंटरचेन का मतलब होता है बिटवीन द चेन मॉलिक्यूल, जैसे एक अगर आपका लाइट चेन है दूसरा आपका क्या हैवी चेन, जैसे आप ये वाला बॉन्ड दे सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, दैट इज द इंटर का। जबकि अगर आप विद इन मॉलिक्यूल्स की बात अगर करें, जैसे लाइक एज अ या तो हैवी चेन हो या तो लाइट चेन के बीच में अगर बॉन्ड बने उससे आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड या इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं किसके एग्जाम्पल, दैट इज द इंट्रा के, और ये वाले जो होंगे एग्जाम्पल किसके, दैट इज द इंटर मॉलिक्यूल्स के या इंटर चेन मॉलिक्यूल्स के। तो आपने देखा कि यहाँ पे हिंग रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इंटीजन बाइंडिंग जो रीजन होता है दैट मीन साइट्स होता है वो क्या होता है, वहां पे कौन से प्रीडोमिनेंट फॉर्म या इंटीजन या अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजों का आपने यहाँ पे देख लिया। देखते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं आपके एंटीबॉडी में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे मेजर फॉर्म जो है आपको एंटीबॉडी में जो पाया जाने वाला बॉन्ड है वो क्या, दैट इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ही पूरा आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबलाइज है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड सबसे ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म में होगा, इसके बाद आपका क्या होगा, सॉल्ट लिंकेज होगा, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके बाद हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा। ये डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पे पाया ही जाएगा, क्योंकि पेप्टाइड आपका क्या है, प्रोटीन्स में पाया जाने वाला सबसे बेसिक और सबसे की बॉन्ड होता है। तो उसको यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन आप उसे अंडरस्टूड करें, समझ लें कि पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। आपसे यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे पेप्टाइड मतलब ग्लाइको दैट इज एंटीबॉडी में नहीं पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन आपको ये ध्यान में रखना रहेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं या कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बॉन्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा हूँ। अगर आपके सारे बॉन्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जा करके पहले उस प्रोटीन वाला जो बायोकेमिस्ट्री वाला जो लेक्चर है पहले आप उसको देखिए, जिसमें आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में शायद अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ। आपको अगर बायोलॉजिकल बॉन्ड के केमिस्ट्री के बारे में पता अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप आगे के जो डाउट्स होंगे, आप आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे उनके बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि जो एंटीबॉडी होता है उसका जो एंटीजन से बाइंड करने वाला जो रीजन होता है वो कौन से टर्मिनल पे पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी का इफेक्टिव जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन से रीजन पे पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एंटीबॉडी के दो फंक्शंस होते हैं, एक एंटीजन बाइंडिंग रीजन जो कि एन टर्मिनल पे पाया जाता है, और एक इफेक्टिव फंक्शन या इफेक्टिव फंक्शन जो कि सी टर्मिनल पे क्या होता है वो पाया जाता है। सवाल आता है यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो कि एंटीबॉडी क्या करता है, परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, वहां से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं बायोलॉजिकली जो कि एंटीबॉडी क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज द नंबर फर्स्ट, ऑप्शनाइजेशन। ऑप्शनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी का जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को क्या कर देना होता है, इम्प्रूव कर देने की प्रोसेस को बोलते हैं, दैट इज द ऑप्शनाइजेशन। दैट मीन्स कोई भी एंटीबॉडी अगर एंटीजन को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है, उसे किल करने का काम कर रहा है, तो इस प्रोसेस के थ्रू उस एंटीबॉडी के रिएक्शंस को या एंटीबॉडी के प्रोसेस को क्या किया जाता है, इम्प्रूव या इनहांस कर दिया जाता है। दूसरा इसका रोल है, दैट इज ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के अलावा भी आपको आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस चलते हैं जो कि बॉडी में होने वाले जो एंटीजेनिक एक्टिविटी होते हैं उनको क्या करते हैं, नलीफाई करने का काम करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने का भी काम कौन करेगा, दैट इज द एंटीबॉडी। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ADCC, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। मींस अगर कोई माइक्रोफेजस सेल्स या कोई टी हेल्पर सेल्स या जो भी टीसी सेल्स जो भी आपके किसी एंटीजेंस को इंगल्फ कर रही हैं या आपका उसे मारने का काम कर रही हैं, तो वहां पे एंटीबॉडी आ करके उनके उस प्रोसेस को क्या करता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, उसी को आप बोलते हैं दैट इज द ADCC। तो सपोज कीजिए कि अगर आपका ये टीसी सेल्स है और ये आपका एंटीजेंस है, तो ये टीसी सेल्स एंटीजेंस को क्या कर रहा है, बाइंड करने का काम कर रहा है, तो वहीं पे एंटीबॉडी आकर के इसके बाइंडिंग एफिनिटी को जो कि इस बाइंडिंग करने के बाद इसको किल करेगा, इस वाले प्रोसेस को क्या कर दे, इम्प्रूव कर दे,
दैट इज वाई इसको आप क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। मतलब एंटीबॉडी के माध्यम से होता हुआ क्या होगा, आपका जो साइटोटॉक्सिसिटी की प्रोसेस हो रही थी वो क्या होगी, अब परफॉर्म होती है, तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द ADCC। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है आपका क्या आता है, दैट इज द ट्रांससाइटोसिस। तो ट्रांससाइटोसिस का मतलब होता है कि किसी एपिथेलियल लेयर से आपका जो एंटीजेंस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको क्या किया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, दैट मीन्स बाहर एलिमिनेट आउट कर दिया जाए, उसको आप बोलते हैं ट्रांस साइटोसिस। इसके बाद एक्टिवेट करता है मास्ट सेल्स को और बेसोफिल सेल्स को। ये दोनों ही सेल्स क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और इन सेल्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, दैट इज एंटीबॉडी। तो ये आपके पॉसिबल बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं इफेक्टिवली, जो कि एंटीबॉडी के द्वारा क्या किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो एंटीबॉडी है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन का इम्पोर्टेंस है ग्लाइकोसाइलेशंस का, जो कि ग्लाइकोसाइलेशंस की वजह से ही वो एंटीबॉडी ज्यादा सॉल्युबल हो पाता है और अच्छे तरीके से क्या करता है, इम्प्रूव करता है या इंटरेक्ट होता है एंटीजन मॉलिक्यूल्स से। आपने यहाँ पे ये भी देखा कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो हेटरोडाइमर होते हैं, दैट मींस यहाँ पे चार पेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें से दो आपके आइडेंटिकल लाइट चेन होंगे और दो आइडेंटिकल क्या होंगे, आपकी हैवी चेन होंगे। हैवी और लाइट चेन का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बता दिया गया। इसके बाद एन टर्मिनल पे क्या क्या एक्टिविटी होगी, सी टर्मिनल पे क्या क्या एक्टिविटी होगा, हिंग रीजन क्या है, कौन से एंटीबॉडी भी नहीं पाए जाएंगे, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ से क्या किया गया, बता दिया गया। सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे आते हैं वो यही सबसे आते हैं कि आपका एंटीबॉडी में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन से टर्मिनल से या कौन से एंड की वजह से एंटीबॉडी का इफेक्टर फंक्शन होता है, या किसकी वजह से एंटीबॉडी में एंटीजन से बाइंड करने की एबिलिटी होती है। ये सारे आपने पार्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लिया, तो होपफुली आपको ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम अगर रह जाता है एंटीबॉडी से, तो उसको हम लोग आप अच्छे से अपनी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एंटीबॉडी के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, क्या उनका एप्लीकेशन से कहाँ कहाँ उनके यूजेज होते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, सो आपको देखने में प्रॉब्लम होता है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। सो दैट इज़ वाई आज के इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो इस प्लीज शेयर इट टू योर विद फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।